नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हैं। पंजाब, भारत का वो हिस्सा जहां धर्म, सेवा, संस्कार, वीरों की गाथा, गुरुद्वारों के लिए, भंडारों के लिए, लंगरों के लिए और खाना के लिए बहुत ही फेमस है। पंजाब के जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। जैसा कि आप जानते होंगे, पंजाब में एक चलती श्याम मोहनी, ये एक पावर के थ्रू चलती है, लेकिन इसी के अंतर्गत उसको बोलते हैं मोहनी लागणी, श्याम मोहनी का ये एक दूसरा हिस्सा है। ये जिसके पीछे लगा दिया जाता है वो कभी छूटता नहीं है। आप भी बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा सौभाग्य है कि लाखों लोग में हजारों लोग ऐसे हैं जो गुरु के महत्व को समझते हैं, गुरु के परंपरा को समझते हैं। जैसा कि मैंने रोका कि किसी को आना नहीं है, घर पर रहिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, गुरु के नाम से एक वृक्ष लगा दीजिए, अपने माता पिता के नाम से एक वृक्ष लगा दीजिए, यही सच्चे गुरु के लिए आपकी दक्षिणा होगी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने मुझे दक्षिणा भेजी है कि गुरु जी इसे स्वीकार करिए। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। श्यामू वर्मा अहमदनगर से भेजे हैं। श्यामू वर्मा जी, इन्होंने 1100 रुपये भेजा है। लल्लन त्रिवेदी रायबरेली उत्तर प्रदेश से, इन्होंने 2100 रुपये भेजा है। साथ में महाराष्ट्र से संजय पाटिल जी ने, इन्होंने 700 रुपये भेजा है। नमिता अग्रवाल बरेली से, इन्होंने 2100 रुपये भेजा है। और ये हैं पूरन मल गुप्ता दिल्ली से, इन्होंने 5100 रुपये भेजा है। और ये हैं छोटे लाल बिहार से, इन्होंने 251 रुपये भेजा है। और हमारी एक और बहन है जिसका नाम सुष्मिता द्विवेदी, इन्होंने 151 रुपये भेजा है। और ये आचार्य रजनीश पांडे बलिया से, इन्होंने 21 रुपये भेजा है। राजू संकल्पी हैं, ये हैं दरियाबाद से, इन्होंने 21 रुपये भेजा है। और राजेंद्र यादव 1100 रुपये, विष्णु खरे 2100 रुपये, बैद्यनाथ रावत 2100 रुपये। ये सब दान जो मुझे भेजे हैं गुरु दक्षिणा। मैं बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को मैंने मना किया था कि ये सब मुझे मत भेजिए, और ये आपका प्रेम है कि आपने भेज दिया है। तो जो भी रकम आई है, जो भी आई है, ये सब पैसा 21 तारीख की शाम को, यानी गुरु पूर्णिमा के दिन, हमारे अयोध्या के जो वृद्धाश्रम है, जिन्होंने अपने माँ बाप को निकाल दिया, जिन्होंने माँ बाप की इज्जत नहीं की, ये सभी धनराशि आप लोगों के नाम से, आप लोगों के संकल्प दिला के ये वहां दान दे दी जाएगी। इसका फल आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार जताया। मैं बता दूं, किसी प्रकार की धन की या किसी प्रकार के गिफ्ट यहाँ स्वीकार नहीं है। फिर भी अगर आप भेजते हैं तो नेक कार्य में लगा दिया जाता है, जैसे वृक्ष लगाना, गौशाला के लिए हम दे देते हैं, वृद्धाश्रम में दे देते हैं, ऐसी जगह पर लग जाता। बाकी जो मैं कार्य करता हूँ, मेरी जो दक्षिणा रहती है, वह स्वयं मैं रखता हूँ। तो चलिए, लागणी मोहनी कैसे चलती है, क्या होती है, मैं बताता हूं। प्यारे दर्शकों, बांस यानी बंबू जिसे कहते हैं, बांस का पेड़ कहीं दिखे, शनिवार को उस पर एक नीले रंग का धागा बांध कर 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल और एक मीठा पान रख देना। शनिवार को रखना है और बोलना कि कल से मैं आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा, मेरे साथ चलकर दुनिया बसाना,
घर बसाना, संसार बसाना, जैसे मीरा ने श्याम से प्रेम किया, जैसे राधा ने श्याम से प्रेम किया, उसी प्रकार आप जिसके लिए आपकी डोरी चलाई जाए उस डोरी में उसको बांध देना, ये बंधन कभी ना टूटे। ये बोलने के बाद प्रणाम करके चले आना। अब अगले दिन संडे होगा, ये शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से प्रारंभ करना। जिस बंबू के डाल पर आपने ये बांधा था, पतली से डाल पे, बहुत मोटे मत बांधना बंबू पे, पतले डाल पर, वहीं आपको जाना है। शाम के वक्त थोड़े सफेद फूल और एक मीठा पान प्रतिदिन चढ़ेगा वहां पर। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैदंती या मोती की माला से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का ये श्रावण मंत्र है। प्रतिदिन एक माला करने के पश्चात वहां पर आपको थोड़ा सा दूध या मक्खन चढ़ा देना है। ये 21 दिन करेंगे, 21 दिन के अंदर आपके सामने कोई शक्ति प्रकट होकर कुछ मांगेगी, देना नहीं। अब जब 21वां दिन होगा, प्रतिदिन की भात आप पूजा पाठ करेंगे, लेकिन भोग पहले नहीं देना है, उस दिन भोग रख लेना और बाकी जाप आप कर लेना। जैसे जाप करोगे, भोग नहीं दोगे तो वो शक्ति आएगी, कहेगी मेरा भोग मुझको दो, तब क्या देना, ठीक है मैं आपका भोग देता हूं, आप मुझे मोहनी, यानी कहना कि श्याम की मोहनी जो लागणी है वो दे दो। तो उसी वृक्ष में से, या तो वो उस डाल को तोड़ के दे देगा बांस की डंडी को, या कोई आपको छड़ी दे देगा। जब छड़ी दे देगा तब आप भोग दे देना। अब ये जादुई छड़ी है आपके पास, जिसको भी जिससे मिलाना है, ना खिलाना, ना पिलाना, ना दबाना, ना डालना, ना मंत्र बहुत ज्यादा पढ़ना, इसी छड़ी से दो लोगों का नाम बांस की पत्ती के ऊपर आपको हल्दी से लिख दें, और ये डंडी से तीन बार पीट कर जिनका जिनका नाम लिखे रहेंगे बोल देंगे जा दोनों के बीच लाग, ऐसे लाग कि जीवन भर ना छूटे, या सात जन्म ना छूटे, या जब तक गंगा जमुना सूरज चंद्र रहे तब तक ना छूटे। इस तरीके से आदमी की आयु 60-70 वर्ष होती है, लेकिन इस तरीके से बोल दिया जाता है। इधर आपने पीटा, उधर कार्यक्रम चालू। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ जायज काम के लिए करना है, गलत कार्य के लिए नहीं करना है। अब आप इस वीडियो को देखकर कोई डिमांड या कॉल मत करना कि गुरुजी क्या आपके पास ऐसी डंडी मिलेगी, मैं इतने हजार रुपए दे दूं, मैं इतने लाख रुपए दे दूं, आप बना के दे सकते हैं। तो देखिए, हजारों हजारों लोगों का डेली देखना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति के लिए मैं मोहनी डंडा या मदारीगिरी नहीं करता हूं, मैं अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो वेद पुराण है, जो मंत्र है, उनको मेरा फर्ज है कि उनको लाता हूं, ज्यों कहते हो आपको दे देता हूं। उसको आप प्रैक्टिकल करिए, आजमाइए, देखिए। हाँ, अगर आपके घर में कोई विशेष प्रॉब्लम है, कोई बड़ी तकलीफ है, आप अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं कि घर के अंदर क्या है, घर के तंत्र है कि मंत्र है, कि कोई चीज गड़ी है कि दबाई हुई है, तो आप घर से चावल और मिट्टी लेकर आइए, हम जांचेंगे। अगर कुछ होगा तो उसी समय इलाज हो जाएगा, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, फिर वास्तु दोष ये सब भी देखना पड़ेगा। साथ ही मैं चाहूंगा कि 10 अगस्त को एक बहुत बड़ी पावर, हमारे जो लगभग 9 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उन सब्सक्राइबरों में 10 दिन पहले एक वीडियो पड़ेगी और एक डायरेक्ट ट्रांसफर मैं नहीं करता हूं, ध्यान रख लीजिए, मैं फिर बता दूं, ट्रांसफर मैं नहीं करता हूं, ना इन चक्रों में पढ़ना, जो साधना नहीं कर सकते, मैं किसी के माध्यम से एक ऐसे बुजुर्ग कि एक नेकी का काम होना है, उसमें सबका सहयोग पड़ेगा, और जो लोग सहयोग देंगे उन सभी का नाम लिखा जाएगा, और ड्रा द्वारा जिसका भी नाम निकलेगा उनको उठा के वो शक्ति, वो हमारे बुजुर्ग अंतिम पड़ाव के जीवन में है, वो उनको दे देंगे। वो आप लोगों से जो भी सहयोग होगा वो उनके परिवार के लिए लग जाएगा।
तो इंतजार करिए, 2 अगस्त को वो वीडियो पड़ेगी। तो इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की समस्या हो, सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल करिए। आज फिर निवेदन कर रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा को जो लोग दूर से आना चाहते हैं वो ना आए। आप इतना रुपया आप पैसा लगा के आओगे, प्रणाम करोगे, आशीर्वाद लोगे, यहीं से आशीर्वाद दे रहा हूं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप सर्वप्रथम अपने माता पिता की आरती उतारो, उनका पूजा करो, उनको इज्जत सम्मान दो। आपको बचपन में जो टीचर ने पढ़ाया हो, जो शिक्षक ने, जो गुरुजनों ने पढ़ाया हो, उनको जाके आप आदर सम्मान करिए। बाकी जरूरी नहीं कि गुरु के पास फूल माला कपड़े रुपए मिठाई फल लेके आओ, चरण पकड़ो, तभी गुरु समझे कि मेरा चेला है। जो आने में आपका खर्चा होगा, वो खर्चा अगर आपका बच जाए और वही खर्चे से आप अपने महीने के ग्रोसरी का आइटम घर में भर लें, खाने पीने का, बच्चों की फीस दे दें, या जिसके पास घर में कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं वो पूरा कर दें, तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो इसलिए जो मैं बार बार 15 दिन से कह रहा हूँ कि जो दूर के हैं ना आए, नज़दीक के भी बुजुर्ग और बच्चे ना आए। जो हमारे शिष्य हैं जिनको साधना सिखा रहा हूँ, जो साधना से सीख चुके हैं वो आ रहे हैं, उनकी अलग बात है। ठीक है, माइंड मत करना, क्योंकि आप हमारे परिवार के हैं। हमारा तो इतना अधिकार बनता है कि आपसे अपने दिल की बात और आपके दिल की बात हम भी सुने। नमस्कार।